और उसी हिंदू ने टेस्ट सीरीज जिताई, मैंने कहा अब बोल। और यार मैंने बात खुल जाएगी कि सर ये यहाँ से खाना क्यों ले रहा है, मैं क्या मैं तुम्हारा उठा के ना तुम्हारे। पूर्व तेज गेंदबाज सोएब अख्तर ने दानिश कनेरिया के मामले में एक सनसनीखेज खुलासा किया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। दोस्तों, हिंदू क्रिकेटर के इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया सोएब अख्तर की सामने आई है। कनेरिया ने इस बात की पुष्टि की है कि सोएब अख्तर सही बोल रहे हैं। दानिश कनेरिया ने बताया कि सोएब अख्तर ने सच्चाई बयां की है। उन पाकिस्तान क्रिकेटरों के नाम मैं जल्द उजागर करूंगा अपने यूट्यूब पर, दानिश कनेरिया ने यह कहा है। सोएब ने कहा था कि हिंदू होने के कारण कुछ खिलाड़ी उनके साथ खराब बर्ताव करते थे, उनके साथ खाना भी नहीं खाते थे। सोएब ने एक वीडियो में कहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर ने पक्षपातपूर्ण बर्ताव किया था, वे दानिश के साथ इस कारण खाना नहीं खाते थे क्योंकि वह हिंदू थे। सोएब के इस खुलासे पर दानिश ने कहा, सोएब भाई ने सच्चाई बयां की है, मैं उन खिलाड़ियों के नाम उजागर करने को तैयार हूं जो हिंदू के कारण मुझसे बात करना पसंद नहीं करते थे। दानिश ने कहा कि उस समय मुझे इस मसले पर खुलकर बोलने का साहस नहीं था, लेकिन अब मैं ऐसा करूंगा। सोएब ने दानिश कनेरिया के सपोर्ट में कहा था कि मेरे कैरियर में मैंने टीम के 2-3 खिलाड़ियों से लड़ाई भी की थी जब वे क्षेत्रवाद पर बात करने लगे थे, कौन कराची से है, कौन पंजाब से या कौन पेशावर से है, ऐसी बातें होने लगी थी। क्या हुआ अगर कोई हिंदू है, वह टीम के लिए अच्छा खेल रहा है तो वह हिंदू हो या मुसलमान, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। सोएब ने अपने वीडियो में कहा है कि वे कहते थे, सर ये यहाँ से खाना कैसे ले रहा है। उन्होंने कहा, उसी हिंदू ने इंग्लैंड के खिलाफ हमें टेस्ट जिताया, वह अगर पाकिस्तान के लिए विकेट ले रहा है तो उसे खेलना चाहिए। हम कनेरिया के प्रयास के बिना सीरीज नहीं जीत सकते थे, लेकिन बहुत लोग उसे इसका श्रेय नहीं देते। गौरतलब है कि कनेरिया ने 2009 में डरहम के खिलाफ एसेक्स के लिए खेलते हुए मर्विन वेस्टफील्ड के साथ स्पॉट फिक्सिंग का दोषी पाया गया था, जिसके बाद उनकी हालत बहुत ख़राब है। हालांकि दानिश कनेरिया ने मोहम्मद यूसुफ, इंजमामुल हक और भी कई खिलाड़ियों के नाम लेकर के उन्होंने कहा कि ये लोगों के साथ हमारी पॉजिटिव बिहेवियर रहती थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।